एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच तो इस वीडियो में बेसिकली अनाउंसमेंट करने जा रही हूं तो मुझे काफी क्वेरीज आती हैं कि क्या मैं यूनिट वन के यूनिट सिक्स के अलावा और कोई यूनिट आपको कवर कर पाऊंगी या नहीं तो ये अनाउंसमेंट उसी रिगार्डिंग है उससे पहले हम एक बारी सिलेबस देख लेते हैं दिस इज योर सिलेबस ठीक है syllabus, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 6 जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है इसमें ट्वेंटी मार्क्स आपके यूनिट वन के हैं एंड सिक्सटी मार्क्स आपके यूनिट सिक्स के हैं दैट मीन्स ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट जो है आपके मार्क्स कहाँ से आएंगे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सिक्स से आएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को आप छोड़ दोगे लेकिन आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रखनी होगी कवर करते टाइम कि किस एरिया पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है तो अब डिसाइडेड में यूनिट वन जो है वो भी आपको साथ में कवर कर पाऊंगी ठीक है यूनिट जो सिक्स है हमारा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट वो ऑलमोस्ट मोर देन फिफ्टी आई वुड से सिक्सटी तक कवर हो गया है उसका थोड़ा ही पार्ट हमारा रहता है तो ये भी जल्दी कवर हो जाएगा यूनिट वन हम करेंगे ठीक है यूनिट वन हम देख लेते हैं पहले एक बार सिलेबस क्या क्या हमें इसमें कवर करना है पहले है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ठीक है तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में क्या आ जाएगा आपका ये आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है फाइन एक आपका करंट अफेयर्स आ गया इसमें एंड देन यू हैव हिस्ट्री एक आपका करंट अफेयर्स आ गया उसके बाद आपका क्या आता है सेकेंड इसमें आपको थोड़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है हिस्ट्री तो जहाँ पे आपको सिंपली हिस्ट्री लिखा हुआ है वहां पे आप डिवाइड कर सकते हो इंडियन हिस्ट्री को एंशंट मिडिवल एंड मॉडर्न में ठीक है तो एंशेंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को लेके कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं वो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तो वो हम फैक्ट्स देखेंगे एंड मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल तो फ्रीडम स्ट्रगल कौन सा पार्ट है आपका हिस्ट्री का ये वो पार्ट है जब आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहां से लेके जब आपको आजादी मिली थी 1947 में तो इस बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो आपको देखनी है वो हम पढ़ेंगे थर्डली आपका इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है क्योंकि आपको कहा गया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ठीक है तो जब हम फिजिकल डिविजन की बात करते हैं स्पेसिफिकली आता है आपका इसमें माउंटेन्स एंड सीज वगैरह आपका वो सारा देखना है आपको तो ये अगर इंडिया है ये आपका इंडिया है ठीक है तो ये आपके माउंटेन्स कहाँ पे इम्पोर्टेंट माउंटेन्स के हिसाब से क्या डिवीजन है इंडिया का ठीक है सीज जो है वो किन एरियाज को कैसे डिवाइड करते हैं कहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट सीज निकलते हैं वो चीज़ आपको देखनी है इसके फिजिकल डिविजन में एंड पोलिटिकल डिवीजन में आप देखोगे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी बाउंड्रीज शेयर करते हैं तो उसमें आपको स्टेट्स के बारे में देखना है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये वाला पार्ट आ गया ठीक है इनकी बाउंड्री किसके स्टेट के साथ शेयर होती है तो ये सारी चीज़ें हम पोलिटिकल डिविजन में देखेंगे फोर्थ आपको डेमोग्राफी के बारे में एंड सेंसस के बारे में थोड़ा देखना है डेमोग्राफी डेमोस वर्ड निकला है पॉपुलेशन से तो वही सेंसस रिलेटेड चीज़ें अगेन इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हम देखेंगे ठीक है उसके बाद आपका आता है फिफ्थ पार्ट जिसमें आपको जे एंड के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक चीजें बोली गई हैं कवर करने के लिए वो हम देखते हैं वो क्या क्या चीजें हैं तो आपको जे एंड के थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी हेरिटेज एंड कल्चर जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये स्पेसिफिकली कवर करना है ठीक है जब हम ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ेंगे आपका पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया तो उसमें आपका जे वाला भी कवर हो जाएगा तो जे की ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी इसका थोड़ा बहुत इकोनमी हिस्ट्री हेरिटेज एंड कल्चर हम सेपरेटली देखेंगे एंड देन आपका स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट टू ये काफ़ी यहाँ पे मार्क्स आप ले सकते हो क्योंकि डायरेक्टली कोई एक्ट मेंशन है दैट मींस कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे एंड वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ये अगेन आपके ज्योग्राफी का पार्ट है ये भी हम कवर करेंगे एंड थोड़ा बहुत आपके एन्वायरमेंट से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं इसमें ठीक है तो ये लगता है कि इसमें आठ ही चैप्टर्स होंगे लेकिन बेसिकली आठ आप मान लो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी थोड़ा बहुत इकोनॉमी का एंड आपके जे एंड के का सेपरेट तो ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के पहला टॉपिक आपका बनता है जे एंड जे के जेके विद जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू तो जे एंड के ठीक है तो ये यूनिट वन भी मैं कवर करवाऊंगी एंड यूनिट सिक्स तो हम कवर कर ही रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है तो अगर आपको ये वीडियोस भी देखने आपको क्या करना होगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितने सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे जितने वीडियो पे व्यूज आएंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा हर जो आपका कॉम्पोनेंट है उसको इन डिटेल कवर करने का प्लस इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी ठीक है एंड उन टेस्ट सीरीज के बेसिस पे आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे तो मैं जल्दी लेके आऊंगी आपका ये वाला कोर्स भी तब तक आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें टाइम अपलो नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैवी ग्रेट डे